पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी की केजरीवाल एंड कंपनी पूरे वक्त ये कहती रही कि अगर उनकी सरकार आई तो आम जनता के पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा और कहीं भी कोई गलत पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन कर्ज में डूबे पंजाब में सत्ता पाने के बाद आम आदमी पार्टी अपने सभी वादे जैसे यादाश्त खोने की तरह भूल चुकी है। वो लगातार अपने खर्चे बढ़ा रही है और आम आदमी के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। यही नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी मुखिया केजरीवाल की निजी यात्राओं और पार्टी रैलियों का खर्च भी सरकारी खजाने से दिया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब दोनों ने अपने होटल में रुकने और खाने तक का बिल भी सरकारी खजाने के हिस्से मर दिया। यह हाल तब है जब पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। यही नहीं, पंजाब का कुल कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले 42.5% से बढ़कर 46.8% हो गया है, जिसके ऊपर RBI की रिपोर्ट में भी चिंता जताई जा चुकी है। दरअसल पंजाब में 4-स्टार होटल के 2.18 लाख रुपए बिल पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जालंधर के एक होटल में रुके थे, जिसका 2.18 लाख रुपए का बिल प्रशासन को भेजा गया है। इसका खुलासा होते ही कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह और सुखपाल खैरा ने पूछा कि थोड़ी दूर पर ही सर्किट हाउस था, वहां क्यों नहीं रुके, इस कार्यक्रम का पैसा सरकार क्यों दे। 15 जून को केजरीवाल और भगवंत मान ने जालंधर से नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बसों को हरी झंडी दी थी। RTI सूचना से पता चला कि वो करीब 3 घंटे होटल में रुके। इस दौरान 6 कमरों का 1.47 लाख और 38 लंच बॉक्स पर 80,712 रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता रामकुमार झा के रुकने और स्टे पर 50,902 रुपए, 17,788 रुपए केजरीवाल की रूम सर्विस, 22,836 रुपए CM मान की रूम सर्विस, 15,460 रुपए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत, 22,416 रुपए प्रकाश झा और 8,062 रुपए केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी की रूम सर्विस के बदले चार्ज किए गए। इसीलिए विधायक प्रगट सिंह ने सरकारी खजाने से अदायगी पर सवाल उठाए हैं। प्रगट सिंह ने कहा कि यह कथित आम आदमी केजरीवाल और भगवंत मान की असलियत है। दिल्ली बसों को झंडी देने का ड्रामा करने आए केजरीवाल और उनके साथियों का 4-स्टार होटल में रुकने का बिल 2.18 लाख रुपए आता है, जिसका बोझ पंजाब के खजाने पर पड़ना है। क्या आम आदमी पार्टी अब हर रोज कुछ घंटे रुकने के लिए इस तरह लाखों रुपए बर्बाद करेगी? क्या CM मान और उनके दिल्ली के बॉस को सर्किट हाउस पसंद नहीं आ रहे? थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो सारा बिल पार्टी अपने फंड से भरे। वहीं कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने कहा कि अगर यह दोनों सच्चे आम आदमी हैं तो बिल भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल खुद भरें। एक दिन में लाखों के बिल के लिए पब्लिक मनी क्यों यूज हो? खैरा ने पूछा कि 1 किलोमीटर दूरी पर सर्किट हाउस में क्यों नहीं रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।